आज शिवरात्रि है और पूरे देश में महाशिवरात्रि का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन उज्जैन में इसका महत्व अलग ही है क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल मंदिर दक्षिणमुखी होने के साथ साथ पूरे विश्व में भस्म आरती के लिए काफी प्रसिद्ध है। इसी के चलते महाशिवरात्रि पर प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सहपरिवार महाकाल बाबा के दर्शन किए। इसी के साथ गृह मंत्री ने बाबा महाकाल से कामना की कि कमलनाथ के नेतृत्व में मध्य प्रदेश खूब तरक्की और उन्नति करे, देश और दुनिया में मध्य प्रदेश नंबर वन रहे। देश भर के 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का अपना ही एक अलग महत्व है। महाकाल मंदिर दक्षिणमुखी होने से भी इस मंदिर का अधिक महत्व है। महाकाल मंदिर विश्व का एकमात्र ऐसा शिव मंदिर है जहां दक्षिणमुखी शिवलिंग प्रतिस्थापित है। ये स्वयंभू शिवलिंग है जो बहुत जागृत है, इसी कारण केवल यहां तड़के 4 बजे भस्म आरती करने का विधान है। मान्यता है कि महाकाल को कालों का काल कहा जाता है और इसी कारण यहां महामृत्युंजय का जाप भी होता है। इसी के चलते महाशिवरात्रि का पर्व उज्जैन में अलग महत्व रखता है। देश भर से श्रद्धालु आज उज्जैन पहुंचे। आज देर रात 2 बजे महाकाल मंदिर में भस्म आरती हुई जिसमें पंचामृत अभिषेक पूजन किया गया। जी, शिवरात्रि पर्व पे महाकाल भगवान के दर्शन करने के लिए आए थे और भस्म आरती में शामिल हुआ था मैं परिवार सहित, और भगवान से आशीर्वाद लिए हैं। पूरे मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए भी और हमारी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार के लिए भी कि पूरे मध्य प्रदेश अमन चैन शांति और भाईचारा का वातावरण बना रहे, और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में खूब तरक्की और उन्नति हमारा मध्य प्रदेश करता रहे और देश और दुनिया में नंबर वन मध्य प्रदेश स्थापित हो, ऐसी हमने भगवान महाकाल से अर्जी लगाई है और ऐसी हमने प्रार्थना की। आज अवंतिका के साथ साथ पूरे देश में शिवरात्रि पर्व है। ये शिव का पर्व है जो महादेव हैं, जो न जन्मा है न मृत्यु है, ऐसे महादेव का आज पूरे देश में उत्सव के रूप में शिवरात्रि पर्व मनाया जा रहा। अवंतिका नगरी हर दृष्टि से एक तिल भर बड़ी मानी जाती है, इसलिए यहाँ का जो अवंतिका का जो महत्व है वो अधिक है, और जहाँ दक्षिण मुखी भगवान महाकालेश्वर विराजित है इसलिए भी शिवरात्रि पर्व जो है नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। और आज नवरात्रि पर्व का शिव पर्व का दिन शिवरात्रि है, जब आज परंपरा अनुसार प्रथम पंचामृत पूजन वगैरह सब भगवान को दही दूध से की गई और भगवान महाकालेश्वर को नित्य नए श्रृंगार जो 9 दिन किए जाते हैं उसका कल समापन होगा। सहरे के रूप में भगवान विराजित होंगे, भक्तों को दर्शन देंगे। ये पर्व का महत्व है, इस पर्व में 9 दिन महाकाल मंदिर के प्रशासक के अनुसार लाखों श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग जगह पर होल्डअप बनाए गए हैं। सामान्य रूप से दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए 45 मिनट में दर्शन कराने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए 250 रुपए का टिकट व्यवस्था भी की गई है, जिसमें श्रद्धालु को जल्द से जल्द दर्शन करने की व्यवस्था की गई है। बाबा महाकाल का आज भांग से अलौकिक श्रृंगार भी किया गया, जिसे देखकर श्रद्धालु अभिभूत दिखाई दिए। आज दिन भर बाबा महाकाल अपने भक्तों को दर्शन देंगे और अगले 42 घंटे तक मंदिर दर्शनार्थियों के लिए खुला रहेगा। महाशिवरात्रि का आज पर्व है और अभी जो 21 तारीख की सुबह हमारी भस्म आरती होती है वो संपन्न हो चुकी है, और अब हमारे सभी सामान्य दर्शन का कार्य जो व्यवस्था है वो शुरू होने वाला है। इस पूरी व्यवस्था में हमारे लगभग 900 का बल लगा है और लगभग 50 के आसपास हम लोगों ने मैजिस्ट्रेट यहाँ डिप्लॉय कर रखे हैं। पूरा एरिया हम लोगों ने लगभग 4 होल्डअपों में बांटा है और उस पूरे होल्डअप के माध्यम से हम लोग दर्शनार्थियों को एक लाइन में कतारबद्ध करके उनको दर्शन व्यवस्था करा रहे हैं। पूरे मंदिर के व्यवस्था में हमारा जो अंदर का दर्शन का जो गणेश मंडप है उसमें 4 कतारें हमारी एक समय पर चलेंगी, और इसके साथ ही जो पूरा हमारा एरिया है जितने भी होल्डअप हमारे बनाए गए हैं वहाँ पर हम लोगों के जो हमारे श्रद्धालु आए हैं उनके मनोरंजन के हिसाब से धार्मिक जो हमारे गीत होते हैं लगातार उनका हम लोग यहाँ पर व्यवस्था हम लोगों ने की है, जिससे कि उन लोगों को किसी प्रकार से कोई भी ऐसी असुविधा ना हो।
आज बाबा महाकाल का शिवरात्रि का बहुत बड़ा पर्व है, जो मैं यहाँ पे भस्म आरती करने आई थी। जितना सोचा उससे अच्छे बाबा ने दर्शन दिए, ऐसा लगा जैसे बाबा साक्षात यहाँ पे विराजित हुए हैं। आज का दिन तो बहुत ज़्यादा ही खास होता है, क्योंकि माता पार्वती ने शिव जी के लिए व्रत किया था, और आज बाबा का तो बहुत बड़ा ही दिन, आज बाबा का विवाह हुआ इस दिन, बहुत बड़ा पर्व माना जाता है, बहुत बड़ा दिन है, आज महिलाओं के लिए भी बहुत बड़ा दिन होता है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए खबरें 24/7 के साथ।